मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है। कैसे मैं ये बात आप लोगों को बताऊं, मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। जिन सात बहनों की मदद के लिए पूरा देश उमड़ कर आगे आया, उनका इकलौता भाई जो जोधपुर के एक अस्पताल में भर्ती था, वो जिंदगी की जंग हार चुका है। वाकई में यह खबर सुन के हर किसी व्यक्ति के आंखों में आंसू है, लेकिन कहते हैं ना, उसकी लीला वो ही जाने, क्या कर सकते हैं। पूरे डॉक्टरों की टीम जी जान से उस एक भाई को बचाने में जुटी हुई थी। हम रेगुलर उनसे बात कर रहे थे, डॉक्टरों से हमारी बात हो रही थी, अधिकारी डॉक्टरों से बात कर रहे थे, नेता बात कर रहे थे, दर्जनों डॉक्टर उस बच्चे की देखभाल कर रहे थे। लेकिन हम सबकी दुआएं और डॉक्टरों के एफर्ट्स उस जसराज को नहीं बचा पाए। जैसे ही यह खबर सुनी है, आप यकीन मानिए कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है। आखिर उन सात बहनों ने क्या बिगाड़ा था उस भगवान का कि उन बहनों के साथ इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। आज पूरे बाड़मेर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में यूं कह सकते हैं कि एक शोक की लहर, क्योंकि इन बहनों की जब से हमने खबर चलाई है, हमने मुहिम छेड़ी है, जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो भामाशाह आगे आए हैं, ऐसे में पूरे देश भर में इन बहनों के लिए सहयोग आ रहा था, उस भाई के लिए दुआएं आ रही थी, लेकिन अब वो दुआएं काम नहीं आई। जो एक्सीडेंट हुआ था उस बच्चे का, उससे तो वो रिकवर हो गया था, लेकिन ऐसी बात सामने आई, हालांकि ये पुष्ट नहीं है, कि उसको डेंगू हो गया था और डेंगू से ज़्यादा वो बीमार हो चुका था, और उसके बाद रात को करीब 12 बजे उसने अंतिम सांस ली। आज खैर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मेरे पास मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। भारी मन से मैं ये आप लोगों को सूचना दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। सहयोग कीजिए उन बहनों का, भगवान को जितना अनर्थ करना था, जितना उनको दुख देना था, वो सब दे दिया। मेरे हिसाब से दुनिया में इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं, क्योंकि उन सात बेटियों के माता पिता को भगवान ने पहले ही खो दिया, और फिर उनकी उम्मीद की किरण एकमात्र उनका इकलौता 3 वर्षीय भाई था, जो अस्पताल में भर्ती था, लेकिन उसने भी जिंदगी की जंग हार ली। और आज हर कोई सोशल मीडिया पर नम आंखों से श्रद्धांजलि उस बच्चे को दे रहे हैं, और हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि काश बच्चा जो है वो जिंदा बच जाता, उन बहनों का जो भाई है वो जिंदा बच जाता, तो शायद उनके लिए एक उम्मीद की किरण होती। पैसे, सहयोग, ये सब दुनियादारी है, दिखावा है, भूखे कोई नहीं मरता है, लेकिन आप लोगों ने जो सहयोग किया है ना इन बेटियों के लिए, ये इतिहास में आप लोगों को याद रखा जाएगा। पूरा देश जब जब सहयोग की बात आएगी तो ये सबसे पहले नाम आएगा कि ऐसे सहयोग की मुहिम बाड़मेर में चली थी, और इस देश के लोगों ने, इस बाड़मेर के लोगों ने, इस मारवाड़ के लोगों ने सहयोग करने का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो एक मिसाल बन गई, एक इतिहास बनेगी। एक बार सभी उस आत्मा को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और भगवान से ये दुआ करते हैं कि उन सात बहनों को इतनी शक्ति दें कि ये इस दुखों के पहाड़ को झेल पाएं, और हमारे जितने भी दर्शक हैं जैसा बन पड़े, आर्थिक सहयोग की तो अब जरूरत नहीं है उनको, खूब सहयोग हो गया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप करना चाहें तो करिएगा, लेकिन खूब सहयोग हो गया, करोड़ों रुपए सहयोग आ गया। आप उनका मदद करना चाहें तो उनके पास जाए, ढांढस बंधाए, उनकी दूसरी रूप से आप मदद कर सकते हैं, पढ़ाई में, घर में, शादियों में,
व्यापार, उनको रोजगार दिलाने में, समझाने में, हौसला बढ़ाने, ये सब चीजें कर सकते हैं ताकि वो बच्चे संबल हों, उनसे मिलें। यही दुआ है। धन्यवाद।